दोस्तों फाइनली iQOO तैयार है इंडियन मार्केट में अपने एक और नए दमदार फोन iQOO G6 Lite को लॉन्च करने के लिए, जो कि काफी तगड़ा स्मार्टफोन होने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करूंगा स्पेशली iQOO G6 Lite के बारे में कि आखिरकार इसकी स्पेसिफिकेशन क्या कुछ रखी गई है, कुछ स्पेक्स है ऑफिशियली कंपनी के द्वारा कन्फर्म करा गया है, कुछ स्पेसिफिकेशन बाहर लीक होकर आए हैं तो आपको वो बताऊंगा कि क्या कुछ यहाँ पे स्पेसिफिकेशन होने वाले हैं, इसकी प्राइसिंग जो इंडियन मार्केट में क्या कुछ हमें देखने को मिलेगी और इसका लॉन्च डेट जो आखिरकार इंडियन मार्केट में कब होने वाला वो भी बताऊंगा। इन टोटल आज की इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं iQOO G6 Lite से रिगार्डिंग, तो बस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले आपसे यहां पे iQOO G6 Lite के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको एक IPS LCD पैनल देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे जो आपको 120 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेशर लाकर दिया जाएगा। अब दोस्तों ये जो ऑफिशियली कंपनी द्वारा कंफर्म करा जा चुका है, Amazon पे जो है लिस्ट हो चुका है, जहाँ से क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पे जो आपको 120 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेशर देखने को मिलने वाला है। अब सामने की तरफ जो यहाँ आपको वाटर ड्रॉप स्टाइलिंग वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहाँ पे जो आपको मोस्ट फेवरेट मानकर चलिए कि 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। अब बैक की तरफ जो यहाँ पे डुअल कैमरा देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा है आपको देखने को मिलेगा 50 मेगापिक्सल का और सेकेंडरी कैमरा सो कॉल्ड 2 मेगापिक्सल का चिप दिया जाएगा। अब यहाँ पे बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो 5000mAh की बैटरी है कंफर्म्ड है ये भी, जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आएगा। अब यहाँ पे कितने वॉट का चार्जिंग का यहाँ पे कंफ्यूजन है, बट मोस्ट प्रोबेबली मान कर चलिए कि 18 वॉट का चार्जर प्रोवाइड करेगी, क्योंकि अगर 44 वॉट का प्रोवाइड करती तो गले फाड़ फाड़ कर बोलती कंपनी कि हम 44 वॉट का प्रोवाइड कर रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली मान कर चलिए कि 18 वॉट का ही चार्जर हमें देखने को मिलेगा। अब जिसका सभी आप वेट कर रहे थे कि आखिर भैया इसमें कौन सा प्रोसेसर होने वाला था, जी हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्वालकॉम का सबसे लेटेस्ट चिपसेट स्नैपड्रैगन 4 Zen 1। जी हाँ दोस्तों यहाँ पे ये एक सक्सेसर है स्नैपड्रैगन 400 सीरीज का, स्नैपड्रैगन 4 Zen 1 लेकर आ रही है क्वालकॉम, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी में फैब्रिकेट है। तो ये बहुत ही अच्छा चिपसेट, बैटरी एफिशिएंट चिपसेट है। एंड यहाँ पे जो आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, 3.5 mm जैक भी देखने को मिल जाएगा, डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों ये स्मार्टफोन जो आपको एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। अब लास्टली यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा क्वेश्चन है कि ये 5G फोन है, तो जी हाँ दोस्तों ये जो स्नैपड्रैगन 4 Zen 1 चिपसेट है ये 5G मॉडम को भी सपोर्ट करता है, तो जिसके कारण ये स्मार्टफोन भी जो है 5G बन जाता है। तो जो स्मार्टफोन है iQOO G6 Lite ये एक 5G स्मार्टफोन तो बन जाता है iQOO G6 Lite 5G। तो दोस्तों ये रही पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन की कहानी iQOO G6 Lite 5G के बारे में। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ आखिर ये स्मार्टफोन जो है कब इंडिया मार्केट में लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों देखिए ऑफिशियली इसको जो है कन्फर्म करा जा चुका है कि ये स्मार्टफोन जो है 14th of September, जी हाँ 14 सितंबर को ये स्मार्टफोन इंडिया मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। और अगर मैं आपसे इसके प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो ये स्मार्टफोन जो है लॉन्च होने वाला है अंडर 15,000 rupees, जी हाँ 15,000 के अंदर ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा, जो काफ़ी तगड़ी बात निकल कर आती है कि इतना लेटेस्ट चिपसेट हमें 15,000 के अंदर देखने को मिलेगा। तो अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है iQOO की तरफ से, तो हम इस स्मार्टफोन का वेट रहेगा, आप भी वेट कीजिए। और यहाँ पे जो Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल वगैरह आने वाले हैं उसमें हमें और सस्ते में देखने को मिल सकते हैं, तो काफी तगड़ा स्मार्टफोन हमें देखने को मिलने वाला है iQOO की तरफ से, तो बस इस फोन का हमें वेट करना है। तो बस यही जानकारी जो आपको देना चाहता था iQOO G6 Lite 5G से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही एक और नए वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बाय।